दोस्तों, आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, मगर जब आप ये पूरी सच्ची कहानी सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कोई फिल्मी कहानी ही है। मामला कुछ ऐसा है कि एक लड़का 2011 में गायब हो जाता है। घरवाले और फिर पुलिस लड़के को सालों तक ढूंढती रहती है, मगर कहीं भी अता पता नहीं चलता है। फिर भी पुलिस हिम्मत नहीं हारती है और फिर 9 साल बाद कुछ ऐसा खुलासा होता है जिसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़के के गायब होने की कहानी और इस पूरी साजिश को अंजाम देने वाले लोगों का खुलासा यकीन से परे था। तो आखिर क्या है इस परफेक्ट मर्डर कहे जाने वाले केस की पूरी कहानी, और कैसे एक बिना सबूत और गवाह वाले अनसुलझे केस को पुलिस ने 9 साल की मेहनत के बाद सुलझाया, जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। इस सच्ची घटना की पूरी डिटेल्स हम आपको बताएं, उससे पहले अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के अहम किरदारों में एक किरदार है कमल सिंगला, जो राजस्थान के अलवर के तपुकरा का रहने वाला था। कमल पेशे से एक बिजनेसमैन था। ये बिल्डिंग मटीरियल जैसे गिट्टी, बालू, सीमेंट इत्यादि सप्लाई करने का काम किया करता था। ये बात 2010 की है। काम के सिलसिले में ही पास के ही एक गांव में एक दिन कमल सिंगला जाता है। चूंकि यहां पर एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, इसलिए कमल आए दिन यहां आया जाया करता था। आते जाते ही गांव की एक लड़की पर कमल की नजर पड़ती है और वो लड़की पहली ही नजर में कमल को पसंद आ जाती है। इस लड़की का नाम शकुंतला था। लड़की के पसंद आ जाने के बाद कमल इस बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करता है और फिर जानबूझकर लड़की के भाई राजू से दोस्ती करता है। इसी दोस्ती के बहाने कमल का आना जाना शकुंतला के यहाँ होने लगता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। प्यार छुपाए भी कहाँ छुपता है। कमल सिंगला और शकुंतला अक्सर दुनिया की नजरों से बचकर मिला करते थे और पूरी कोशिश करते थे कि इनके प्रेम प्रसंग की खबर किसी को ना लगे, मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं हो पाता है। और कानों ही कान इन दोनों के प्रेम प्रसंग की खबर शकुंतला के घरवालों को लग जाती है। इस प्रेम प्रसंग की जानकारी होते ही शकुंतला के घरवाले गुस्सा हो जाते हैं और शकुंतला पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। इस पाबंदी की सबसे बड़ी वजह कमल और शकुंतला की जाति का अलग अलग होना था। अलग अलग जाति होने की वजह से शकुंतला के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते हैं और अपनी पसंद के लड़के से शकुंतला की शादी करवाने की कोशिश में लग जाते हैं। कुछ दिनों की ही खोजबीन के बाद दिल्ली के समालखा कापासेड़ा के रहने वाले रवि कुमार नाम के लड़के को शकुंतला के लिए घरवाले पसंद कर लेते हैं। शादी की बात सुनकर शकुंतला घबरा जाती है और एक बार फिर से बेचैन होकर किसी तरह से कमल सिंगला से संपर्क स्थापित करने में कामयाब हो जाती है। हालांकि पूरी कोशिश करने के बावजूद ये दोनों फिर से नहीं मिल पाते हैं और फाइनली 8 फरवरी 2011 को शकुंतला की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ रवि कुमार से करवा दी जाती है। लोग समझ रहे थे कि शादी के बाद शायद शकुंतला अपने पुराने प्यार को भुला देगी और जिम्मेदारी आने पर नई जिंदगी की शुरुआत नई तरीके से करेगी, मगर ऐसा नहीं होता है। शादी के अगले ही दिन कुछ बहाने करके शकुंतला अपने माता पिता के घर वापस आ जाती है और लगभग 2 हफ्ते तक अपने माता पिता के ही घर रहती है। हालांकि घरवालों द्वारा समझाने बुझाने के बाद एक बार फिर से शकुंतला अपने पति के घर चली जाती है और जिंदगी की शुरुआत नए तरीके से करने की कोशिश में लग जाती है। दुनिया की नजरों में सब कुछ अब अच्छा चल रहा था। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी शकुंतला, उसी के साथ अपना जीवन बिता रही थी। मगर इन दोनों का साथ लंबे समय तक नहीं रह पाता है, क्योंकि 22 मार्च 2011 को शकुंतला का पति रवि कुमार अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। दरअसल शादी के बाद लगभग 2 हफ्ते अपने माता पिता के घर रहने के बाद शकुंतला अपने पति के पास वापस आ जाती है और वहीं रहने लगती है। कुछ हफ्ते रहने के बाद 22 मार्च को शकुंतला अपने पति के साथ दिल्ली में ही रहने वाली अपनी बहन के यहां जाने का प्लान बनाती है। 22 मार्च 2011 को दोनों पति पत्नी साथ में निकलते हैं, मगर घर वापस अकेले शकुंतला आती हैं। घर पर आते ही वो अपने पति रवि के बारे में लोगों से पूछती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है हंगामा बढ़ता चला जाता है और लोग रवि कुमार को खोजने में लग जाते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद रवि का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। थक हार कर 23 मार्च यानी रवि के गायब होने के अगले दिन
रवि के पिता थाने में जाकर अपने बेटे के गायब होने की शिकायत दर्ज करवा देते हैं। पुलिस भी अब रवि कुमार की तलाश में लग जाती है, मगर कहीं भी रवि कुमार का अता पता नहीं चलता है। पूछताछ की शुरुआत शकुंतला से ही होती है, क्योंकि अंतिम समय में शकुंतला ही रवि कुमार के साथ थी। गायब होने वाले दिन के घटनाक्रमों के बारे में पुलिस शकुंतला से पूछताछ करती है, तो शकुंतला पुलिस वालों को बताती है कि हम दोनों कार से अपने रिश्तेदार के यहां जा रहे थे, तभी रास्ते में एक जगह रवि ने गाड़ी रुकवाई और मुझसे कहा कि किसी से मिलकर मैं बस 5 मिनट में आता हूं। शकुंतला के मुताबिक रवि 5 मिनट बोलकर गया था, मगर काफी देर उस जगह पर इंतजार करने के बावजूद भी वहां नहीं आया। पुलिस इस पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाती है और रवि कुमार की तलाश में लगी रहती है, मगर रवि कुमार का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। जब पुलिस की जांच को लगभग 1 महीना बीत जाता है और पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं, तब रवि कुमार के पिता एक बार फिर से थाने में जाकर अपने बेटे के अपहरण का मामला कापसहेड़ा थाने में दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस रवि के अपहरण के एंगल से भी मामले की जांच करती है, मगर कहीं भी कोई जानकारी हाथ नहीं लगती है। रवि के माता पिता पुलिस की जांच की शैली पर सवाल उठाते हुए पुलिस के प्रति अपनी नाराजगी जताते हैं। इस कारण जिला पुलिस की टीम से इस मामले को जांच छीन कर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दे दी जाती है। क्राइम ब्रांच मामले को अपने हाथ में लेते ही तेजी से जांच आगे बनाती है और एक के बाद एक शक के दायरे में आने वाले सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। शकुंतला तथा उसके भाई राजू से भी इस मामले में फिर से पूछताछ होती है। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शकुंतला के बयानों में विरोधाभास नजर आने लगता है, इस कारण शक की सुई शकुंतला की तरफ आने लगती है। इसी पूछताछ में पुलिस के सामने कमल सिंगला नाम के व्यक्ति का भी खुलासा होता है। पुलिस कमल सिंगला को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। पूछताछ में बहुत कुछ साफ ना होने की वजह से अब पुलिस द्वारा कमल सिंगला और शकुंतला का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का फैसला किया जाता है। लंबी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फाइनली इन दोनों की पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाई जाती है, मगर इस पॉलीग्राफ टेस्ट से पुलिस के हाथ बहुत कुछ नहीं लगता है, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता है। लगातार बयानों में आ रहे बदलाव की वजह से पुलिस को लगने लगता है कि रवि कुमार के गायब होने के पीछे कहीं ना कहीं शकुंतला और कमल सिंगला का ही हाथ है, मगर पुलिस के पास ना तो रवि का शव था और ना ही एक सबूत और ना ही कोई गवाह था। कुल मिलाकर पुलिस अब तक अंधेरे में तीर चला रही थी। इस कारण पुलिस शक होने के बावजूद शकुंतला और रवि कुमार पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाती है और ये लोग अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। समय बीतता जाता है और रवि कुमार का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। जब क्राइम ब्रांच भी बहुत कुछ नहीं कर पाती है तो थक हार कर 2017 में रवि कुमार के पिता एक बार फिर से अपने बेटे से जुड़े मामले में अदालत में एक अपील दायर करते हैं। इस कारण पुलिस पर दबाव बढ़ता है और अब पुलिस शक के दायरे में आए शकुंतला और रवि कुमार का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने का फैसला करते हैं। पहले तो दोनों ही ब्रेन मैपिंग टेस्ट से इनकार करते रहते हैं, मगर पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद फाइनली 2017 में शकुंतला के भाई राजू तथा कमल सिंगला का ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। राजू तो इस ब्रेन मैपिंग टेस्ट में बेगुनाह साबित होता है, मगर कमल कई ऐसी बातें करता है जिससे शक की सुई सीधे उसी पर आकर अटक जाती है। दरअसल इस ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान कमल सिंगला खुलासा करता है कि जब शकुंतला के घरवाले शकुंतला की शादी कमल से करवाने से इनकार कर देते हैं तो कमल शकुंतला को आइडिया देता है कि तुम ये शादी कर लो, मगर अपने पति के साथ कभी भी शारीरिक संबंध मत बनाना, फिर हम मौका मिलते ही तुमसे शादी कर लेंगे। इस टेस्ट के दौरान कमल दावा करता है कि उसी ने रवि कुमार को ठिकाने लगाया है। पुलिस को ब्रेन मैपिंग टेस्ट में बड़ी कामयाबी मिल चुकी थी, अब बस इंतजार था तो बड़े सबूत का। केवल ब्रेन मैपिंग टेस्ट में हुए खुलासे के आधार पर पुलिस कमल सिंह या शकुंतला को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को जांच के बाद तो छोड़ दिया जाता है, मगर पुलिस द्वारा शहर में ही रहने की हिदायत दी जाती है। मगर अगले ही दिन कमल और शकुंतला शहर से गायब हो जाते हैं। अब पुलिस वालों को पूरा शक हो जाता है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान इन लोगों ने जो भी दावा किया है उसमें जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई है, तभी ये लोग भाग गए हैं। अब पुलिस वाले शकुंतला तथा कमल को खोजने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं, मगर कई दिनों की खोजबीन के बावजूद इन दोनों का पता नहीं चलता है। यहां तक कि महीनों बीत जाते हैं, मगर शकुंतला और कमल का कहीं भी अता पता नहीं चलता है।
पुलिस शकुंतला की खबर देने वाले के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी रखती है, मगर इसके बावजूद 1 साल से अधिक हो जाता है और शकुंतला का कहीं अता पता नहीं चलता है। समय बीतते हुए 2019 आ जाता है। इसी बीच 27 दिसंबर 2019 को पुलिस को एक मुखबिर से खबर मिलती है कि शकुंतला शालीमार कॉलोनी अलवर राजस्थान में रुकी हुई है। क्योंकि शकुंतला पिछले 2 सालों से पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रही थी, इसलिए पुलिस वाले इस बार बिना किसी गलती के इसको पकड़ना चाहते थे। इसलिए इन दोनों को पकड़ने के लिए रात में ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया जाता है और फाइनली रात के अंधेरे में डोर टू डोर चेकिंग अभियान चलाते हुए शकुंतला को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। शकुंतला की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस वाले पूरी सख्ती के साथ पूछताछ शुरू करते हैं और अब जो खुलासा इस पूछताछ में होता है वो वाकई यकीन से परे होता है। पूछताछ में शकुंतला बताती हैं कि जब घरवालों को इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल जाता है तो डिफरेंट कास्ट होने की वजह से घरवाले इन दोनों की शादी करवाने से इनकार कर देते हैं और शकुंतला की शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं। शकुंतला इस बात की जानकारी कमल सिंगला को देती हैं, इसलिए ये दोनों भागने का प्लान बनाते हैं। मगर कमल भागने के प्लान को बदल देता है क्योंकि उसे लगता है कि भागने के बावजूद वो तुरंत पकड़ी जाएगी। इसके बाद कमल शकुंतला के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और शकुंतला से कहता है कि तुम शादी कर लो, मगर किसी बहाने से बस रवि के साथ शारीरिक संबंध मत बनाना, फिर मौका मिलते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। प्लान के मुताबिक ही शकुंतला सब कुछ करती है। शकुंतला रवि से तो शादी कर लेती है, मगर तबीयत खराब का बहाना करके वो अगले ही दिन अपने माता पिता के घर आ जाती है। 2 हफ्ते यहां रहती है और फिर माता पिता के समझाने के बाद वो वापस रवि के घर चली जाती है। मगर यहां आकर वो रवि से कहती है कि मैंने सफल शादी के लिए कुछ मन्नत मांगी हुई है और प्रण किया है कि मन्नत पूरी होने तक हम दोनों शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। रवि ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। अब शकुंतला कमल के साथ मिलकर रवि से छुटकारा पाने का प्लान बनाने लगती है। रवि को बीच से कैसे हटाया जाए, इसके लिए कमल सिंगला बॉलीवुड की एक फिल्म हमराज तथा एक हॉलीवुड की फिल्म देखता है और उसी से प्रेरित होकर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रवि को रास्ते से हटाने का प्लान फाइनल कर लेता है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो अपने ड्राइवर गणेश को भी 70,000 रुपए देकर अपने साथ शामिल कर लेते हैं। प्लान पूरी तरीके से फाइनल होने के बाद कमल शकुंतला से कहता है कि तुम इसी तरह अपने पति को साथ लेकर घर से बाहर निकलो। शकुंतला ऐसा ही करती है और वो अपने पति से वहीं रहने वाले अपने बहन के यहां जाने के लिए कहती है। रवि ये बात मान जाता है और प्लान के मुताबिक रवि शकुंतला को लेकर अपने रिश्तेदार के यहां जाने के लिए निकल जाता है। जब ये दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं तभी अचानक एक लड़का इन दोनों की गाड़ी के आगे आता है और फिर शकुंतला को देखकर चौंकने का नाटक करता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कमल सिंगला ही था। रवि के सामने कमल सिंगला सब कुछ ऐसे पेश करता है जैसे सब कुछ अचानक से हो रहा है। यहां पर बिल्कुल अनजान बनकर कमल सिंगला और शकुंतला बातें करते हैं और फिर शकुंतला रवि से कहती हैं कि ये लड़का मेरे ही गांव का है और पुराना रिश्तेदार भी है। हम लोग जिधर जा रहे हैं इसे भी उधर ही जाना है, तो क्यों ना हम इसे अपनी गाड़ी में बैठा लें। रवि तुरंत इस बात को मान लेता है और फिर ये तीनों एक साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में ये तीनों बातें करते हैं और फाइनली रिश्तेदार के यहां पहुंच जाते हैं। रिश्तेदार के यहां पहुंचकर शकुंतला तो गाड़ी से उतर जाती है, मगर रवि से कमल सिंगला कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी का पुराना दोस्त भी हूं और मुझे तुमसे कुछ बेहद ही प्राइवेट बातें करनी है, इसलिए तुम ही थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो। रवि कमल की इन बातों में आ जाता है और वो शकुंतला को वहीं पर उतार कर कमल के साथ चला जाता है, फिर कभी वापस नहीं लौटता है। आगे क्या हुआ वो समझने के लिए जरूरी था कि अब जल्द से जल्द पुलिस कमल को गिरफ्तार करे, इसलिए पुलिस वाले शकुंतला की गिरफ्तारी के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी जारी रखती है और 2019 के अक्टूबर महीने में ही कमल सिंगला को गिरफ्तार कर लेती है। अब कमल सिंगला द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक वो रवि को अपने साथ लेकर पहले से प्लान किए गए एक जगह पर लेकर चला जाता है और वहां पहले तो वो अपने ड्राइवर गणेश के साथ मिलकर रवि को नशे की दवाई वाली चाय पिला देता है और फिर मौका मिलते ही रवि कुमार का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। रवि की हत्या करने के बाद शकुंतला और कमल साथ रहने लगते हैं और कुछ समय बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। ये लोग हत्या दिल्ली में करते हैं, मगर लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनी ही गाड़ी में डालकर बिना किसी खौफ के राजस्थान के अलवर तक चले जाते हैं।
कमल सिंगला द्वारा हत्या की बात कबूल करने के बाद पुलिस इस हत्याकांड में शामिल एक और अभियुक्त ड्राइवर गणेश की तलाश में लग जाती है। कई दिनों की मेहनत के बाद ड्राइवर गणेश को बिहार के समस्तीपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गणेश और कमल से आगे की पूछताछ में खुलासा होता है कि इन दोनों ने रवि की हत्या करने के बाद उसकी लाश को कई टुकड़ों में काट दिया था और दिल्ली से जाते हुए राजस्थान के अलवर तक कई अलग अलग जगहों पर रवि के शव के टुकड़ों को फेंक दिया था ताकि कभी भी पुलिस के हाथ रवि का शव ना लगे। इन दोनों ने मिलकर शव के एक बड़े से टुकड़े को अलवर में कमल सिंगला की दुकान के ठीक सामने खाली एक प्लॉट में दफन किया था ताकि उस पर नजर रखी जा सके। गणेश और कमल सिंगला की निशानदेही पर पुलिस फाइनली 9 साल पहले बनाए गए कब्र के पास पहुंचती है और बुलडोजर की मदद से 5-6 फीट की खुदाई करने के बाद रवि के लाश के टुकड़ों तक पहुंच जाती है। 9 साल पुरानी कब्र से पुलिस को रवि की 25 हड्डियां मिलती हैं। पुलिस उन हड्डियों को जब्त करते हुए फॉरेंसिक लैब में भेज देती है, साथ ही उन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल ये मामला अदालत में है जबकि शकुंतला, कमल सिंगला तथा गणेश जेल की हवा खा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो अपराधियों को सजा देना अदालत का काम है, मगर आपके अनुसार इन लोगों ने रवि के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।